शाहरुख खान की क्या शानदार वापसी हुई। दोस्तों, जवान की कमाई देखकर तरण आदर्श के होश उड़ गए हैं। फिल्मी एक्सपर्ट तरण आदर्श कहते हैं कि जवान ने अकेले ही पूरे साउथ सिनेमा का रिकॉर्ड तोड़ने हिम्मत दिखाई है। हिंदी में जवान नंबर वन फिल्म बन चुकी है और ऐसा इतिहास रच दिया है जो किसी ने नहीं किया। बॉलीवुड और साउथ की पहली फिल्म जो हिंदी में 600 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। इससे पहले पठान और बाहुबली के नाम ये रिकॉर्ड था, लेकिन अब जवान ने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं जो किसी का मायका लाल नहीं तोड़ पाया। जी हाँ दोस्तों, जवान ने देश भर में 650 करोड़ रुपए से अधिक का कलेक्शन किया है, तो वर्ल्ड वाइड इसकी कमाई 1100 करोड़ के पार हो गई है। वही ओटीटी पर जवान का आप लोग नया अवतार देखेंगे। पिंकविला को दिए इंटरव्यू में एटली ने खुलासा किया था कि वह फैंस को बड़ा सरप्राइज देने की तैयारी में हैं। वह जवान को ओटीटी पर फुल और बिंदास अवतार में रिलीज करेंगे। स्क्रीन पर स्क्रीन टाइम को जो पाबंदी होती है, वह ओटीटी पर नहीं होती। ऐसे में वह फिलहाल जवान के ओटीटी वर्जन को तैयार करने में बिजी चल रहे हैं और इस वजह से वह हॉलीडे पर भी नहीं जा पाए थे। वही बड़े बड़े दिग्गज सेलिब्रिटीज किंग खान की फिल्म जवान को 1000 करोड़ के क्लब में जाने की बधाई देते हैं। पूरा बॉलीवुड आज शाहरुख को मान चुका है कि उनके लिए शाहरुख जैसा कोई स्टार नहीं है और इसीलिए शाहरुख को बॉलीवुड का किंग बनाया गया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शाहरुख बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बन गए हैं जो लगातार 2 फिल्में 1000 करोड़ की दे चुके हैं। आपको याद होगा जनवरी में पठान आई जिसने 1000 करोड़ कमाए। अब जवान भी 1000 करोड़ का कारोबार कर चुकी है और फिल्म अभी चल रही है। जिस तरह पठान ने 1000 करोड़ कमाए, ठीक वैसे ही जवान भी धमाकेदार कमाई कर रही है। वही शाहरुख खान ने एक बात फिर से साबित कर दी कि उनको बॉलीवुड का बादशाह ऐसे ही नहीं कहा जाता। लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बाद शाहरुख को भी समझ आ गया कि उनको अब एक्शन फिल्में करके ब्लॉकबस्टर वापसी करनी चाहिए। वही पठान के बाद जवान और डंकी से शाहरुख ने सबके होश उड़ा दिए हैं।